हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निखिल और आज हम बात करने वाले हैं सिक्स थिंग्स दैट वुमेन फाइंड सेक्सी इन अ मैन। गाइस, हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं और खासकर उस टाइम पे जब हमें कोई लड़की नोटिस करे। सो ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट दिखें। सो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चीज़ों की जो कि लड़कियों को, लड़कों में अट्रैक्टिव और सेक्सी लगती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन थिंग दैट वुमेन फाइंड सेक्सी इन अ मैन इज शार्प ड्रेसिंग। ऑब्वियसली गाइज, फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ड्रेसिंग ही सबसे अच्छी चीज़ है जो सबसे पहले नोटिस की जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है और 30 सेकंड्स के अंदर अंदर सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करने वाली होती है वो है हमारी ड्रेसिंग। सपोज आप एक पार्टी में गए हो, पार्टी में आपके अलावा वहाँ 10, 20 या 30 लड़के और भी हैं, बट आपने पार्टी के अकॉर्डिंग एकदम शार्प और स्टाइलिश ड्रेस पहनी है तो सबसे पहले आप नोटिस किए जाओगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। सो हमेशा ड्रेसिंग ओकेजन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। और दोस्तों, हाउ टू ड्रेस फॉर ए पार्टी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द सेकेंड थिंग वुमेन फाइंड सेक्सी इन अ मैन इज ग्रूमिंग। दोस्तों, ग्रूमिंग भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई एक वेल ग्रूम्ड इंसान को ज़्यादा पसंद करता है। आपकी फुल बॉडी ग्रूमिंग, जैसे कि आपके हेयर, आपकी फेशियल स्किन, आपके फेशियल हेयर, आपके नेल्स, हर कोई नोटिस करता है। और दोस्तों, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो और आप पब्लिक को खुद को नोटिस करवाना चाहते हो। द थर्ड थिंग दैट वुमेन फाइंड सेक्सी इन अ मैन इज बियर्ड। बियर्डेड मैन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एक रिसर्च जो कि जर्नल ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पब्लिश की गई थी और एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के हिसाब से महिलाएं बियर्डेड मैन को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं। और उस ऑस्ट्रेलियन रिसर्च में ये पाया गया कि 5 से 10 दिन की जो बियर्ड होती है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बियर्ड होती है। इसका मतलब एक शॉर्ट बियर्ड स्टाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बियर्ड स्टाइल है। द फोर्थ थिंग दैट वुमेन फाइंड सेक्सी इन अ मैन दैट अ मैन हु नो हाउ टू मेंटेन अ कन्वर्सेशन। गाइज, रिसर्च के हिसाब से हम लड़के लड़कियों के मुकाबले थोड़ा कम टॉकेटिव होते हैं, इसलिए कन्वर्सेशन मेंटेनिंग हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। बट अगर ये चीज़ आपको आ गई कि कन्वर्सेशन को किस तरह मेंटेन करें तो डेफिनेटली दैट वुमेन फाइंड सेक्सी इन यू। द फिफ्थ थिंग दैट वुमेन फाइंड सेक्सी इन अ मैन इज बींग पैशनेट अबाउट समथिंग। गाइस, ये भी रिसर्च बताती है कि जो लड़के किसी चीज़ को लेकर पैशनेट नहीं होते हैं उनके मुकाबले वो लड़के ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो कि किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा पैशनेट होते हैं। चाहे आपका वो पैशन सिंगिंग हो, डांसिंग हो, रनिंग हो, जिमिंग हो, या फिर आपका वो पैशन हो प्लेइंग बास्केटबॉल। सो दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। और दोस्तों, किस चीज़ के लिए पैशनेट होना ना सिर्फ अट्रैक्टिव लगता है बल्कि लाइफ में एक एनर्जी भी ऐड करता है, और ये चीज़ भी साइंस प्रूफ कर चुकी है। सिक्स थिंग दैट वुमन फाइंड सेक्सी इन अ मैन इज स्माइलिंग। तो स्माइल किसी भी इंसान के अट्रैक्टिवनेस के लेवल को बहुत ज़्यादा लेवल अप कर सकती हैं। और दोस्तों, रिसर्च के हिसाब से जब कोई इंसान स्माइल करता है तो वो 10 गुना तक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसका मतलब स्माइल करना आपके अट्रैक्टिवनेस के लेवल को 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकता है। और आप खुद भी सोचिए, सैड और डिप्रेस चेहरा किसको अट्रैक्टिव लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको भी चाहिए फैशन स्टाइल और ग्रूमिंग से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग।